नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि ये जो है वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बस मैं एक ही एग्जाम का इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ। वो इंटरव्यू है भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। तो बस वही एक इंटरव्यू अभी शेयर करने वाला हूँ। ऐसे तो और भी एक्सपीरियंस रहे हैं और FCI में भी मेंस लिखा था मैनेजर्स के लिए, तो एक्सपीरियंस काफ़ी रहे हैं इस फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में मेरा। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को लिए भी मिलेगा। वैसे तो मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, बट मैं सोचा कि चलो अभी इंटरव्यू का मौसम है और लोगों को अभी IDBI में रिजल्ट आया है तो वहाँ पर इंटरव्यू सेशन चल रहा है, फिर ग्रामीण बैंक VO का भी इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। तो इसी सिलसिले में आज का ये वीडियो स्टडी से रिलेटेड नहीं, नहीं कोई मैथ्स पे है, नहीं कोई अदर सब्जेक्ट्स पे, बस ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। इसमें मैं अपना भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड, जो कि RBI की सब्सिडरी है, उससे रिलेटेड मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भी इंटरव्यू समय समय पर धीरे धीरे आप लोग जैसे बोलोगे वो इंटरव्यू को शेयर करेंगे। यदि आज ही सारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठ जाए तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि मतलब आके कोई मतलब एक घंटा इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है, अच्छा भी नहीं लगता वो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जैसा कि चलिए तो सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन के लूप लेके चलते हैं आपको। देखिए जैसा कि मेरा नाम है, अच्छा रुकिए पहले सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लो ये कोई फेक नहीं है, ठीक है। आ देखिए ये रिक्रूटमेंट BRN भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड .in से आया है वो मेल। और एक और मैं मेल दिखा दूं, ठीक है, ये जो मेल आया हुआ ये देखिए IVPS.REG.IVPS.in से आया हुआ ये मेल आया हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब ये फेक नहीं है, ये 110% रियल है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए जब मेरा रिजल्ट हुआ था तो 52 सीट्स थे और IBPS के जरिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बैंकिंग पैटर्न पे ही एग्जाम हुआ था सेम टू सेम, ठीक है। बट इसमें आपको मैकेनिकल फील्ड का जो है आपका डिग्री चाहिए था और बट एग्जाम का पैटर्न पूरा बैंकिंग की तरह था 110%, ठीक है। तो इसमें मेरा सिलेक्शन था। तो जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं गया था इंटरव्यू का गाइडेंस लेने के लिए। तो जो फैकल्टी लोग हैं जो इंटरव्यू के एक्सपर्ट हैं तो उन लोगों ने मुझे बोला कि जो जब वो लोग मेरा नाम देखें तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बोला कि मेरा नाम तपेश्वर राय है, ठीक है। तो वो लोग बोले कि नहीं आप तो प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हो और आपका इंटरव्यू बैंगलोर में लगेगा, तो बैंगलोर में तो प्रोनाउंसिएशन से बहुत ध्यान दिया जाता है, उधर साउथ लोगों का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हम लोग सर्किट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल में और वो लोग सर्किट पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बिस्किट बोल देते हैं वो लोग बिस्कुट बोलते हैं, तो थोड़ा सा इस टाइप से प्रोनाउंसिएशन उन लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो लोग बोले क्या कि नहीं आप जो है सो ऐसा बोलो कि मेरा नाम तपेश्वर रे है, क्योंकि यदि आप नाम ही गलत बोलोगे तो फिर आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बनेगा। तो मैं अपना ये कर लिया, हैबिचुअल हो गया, चलो ठीक है मैं तपेश्वर रे बोलने लगा, ठीक है। तो फिर अभी रे बोलते गया, अब उन्होंने मुझे सारे कुछ तैयार करवाया कैसे इंट्रो देना है क्या देना है, ठीक है। तो इसके लिए अब जब इंटरव्यू का टाइम आया तो इंटरव्यू के लिए मुझे बैंगलोर जाना था, तो बैंगलोर के टाइम में इन लोगों ने मुझे सेकंड AC का टिकट दिया था। वन मिनट मैं दिखा दूँ प्रूफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको आने और जाने का सेकंड AC का टिकट दिया जाएगा, ठीक है, ये रेलवे से। तो मुझे 6400 दिए थे वो लोग टिकट रिमबर्स करके, और मैंने 7000 का टिकट लिया था बाई फ्लाइट का आने जाने का घर से। तो अब कोई आदमी ये मत समझने लगना कि राय मतलब मैं जो हूँ बंगाली हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ, ठीक है। वो धीरे धीरे आपको रिवील होगा, मैं भी एड्रेस दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस एड्रेस को हाइड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक है रोल नंबर दिखता रहेगा बट कोशिश करूंगा वीडियो के बाद कि इसको जो है इसको हाइड करने का कोशिश करूंगा, हो जाएगा तो वेलेंडर, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो जब मैं गया वहाँ इंटरव्यू के लिए तो वहाँ बगल में ही जो इंटरव्यू का पैनल था जहाँ पे हेड क्वार्टर था उसका, उसके बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे मैं होटल लिया। होटल वहाँ काफ़ी महंगे थे, 1500 में नॉन AC रूम था और 3000 से AC रूम था। तो पहले तो मुझे वो लोग थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाया, जैसे मैं बोला कि अरे 1500 में तो हर जगह बाहर में
ये एसी रूम मिलता है, आप लोग इतना एक्स्ट्रा चार्ज रखे हुए हो। तो बोलता है अच्छा दूसरा होटल देख लो भाई, 1,000 में मिल जाएगा। बट दूसरा कहीं मतलब गए तो 3,000 में, 2,500, मतलब वहाँ 1,500 से नीचे रूम वगैरह उस एरिया में नहीं मिल रहे थे। तो ठीक है, मैं किसी भी तरह वहाँ पे रूम वूम लेकर के रुका। अब बात आता हूँ कि अगले दिन सुबह उठे और इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू के लिए गए तो सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा ओबीसी फंस गया, ओबीसी का डॉक्यूमेंट। वो इसलिए फंस गया क्योंकि हम लोग हिंदी में बना करके ले गए हुए थे, तो इंग्लिश फॉर्मेट दे नहीं रहा था यहाँ पे, हम लोग जहाँ पे हम लोग का घर है तो नहीं दे रहा था। तो हम लोग सोचे कि अब क्या किया जाए, तो हिंदी ही लेकर के चले गए। तो वहाँ पे बोला कि नहीं, आपका जो है सो ये क्वालिटी है, लिखा हुआ था आपका एडवर्टाइजमेंट में। फिर बट उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए बयान नहीं किया, उन्होंने क्या किया कि वो हमको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिए कि आप इस अंडरटेकिंग फॉर्म को भरो कि आपका इंटरव्यू, ये इंटरव्यू होने के बाद आपको यदि सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जो है सो देना पड़ेगा, ये इंग्लिश फॉर्मेट में देना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर अब जब मेरा बारी आया तो बारी आया तो वहाँ पे हम लोग का बारी आया था सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में लंच में उन लोगों ने बहुत अच्छा 5 स्टार होटल की तरह उन लोगों ने खाना वाना खिलाया। जैसे ही 1:30 बज गया तो 1:30 बने 2 बजे के आसपास लंच वंच करवाए। वो वहीं के जो अधिकारी लोग थे, ऑफिसर्स लोग, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों का जो कैंटीन था वहीं पे हम लोग लंच वगैरह किए। ठीक है, तो जैसे हम लोग का सब कुछ लंच हो गया, फिर जब हम लोग का जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया तो जैसे मैं अंदर गया, तो जैसे मैं अंदर गया तो उन लोगों से पूछा कि मैं कमीन सर, तो वो लोग बोले ठीक है आप आइए। तो बोला तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट्स योर नेम। तो उन लोग के पास ऐसे एक डॉक्यूमेंट था, तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के तो मैं बोला उसने माय नेम इज तपेश्वर रे। ठीक है, तो रे बोल दिया। बोला ओके टेक योर सीट। तो मैं बोला ओके थैंक यू सर। फिर जैसे मैं चेयर पे बैठ गया तो एक बीच में जो एक पैनल में जो मेंबर थे, हम लोग मेरे पैनल में लगभग में 7 मेंबर थे, 7 के आसपास। ठीक है, तो उसमें से बस एक ही लेडीज थी और ऐसे मतलब थोड़ा सा मॉडर्न, मतलब बहुत बड़ा हॉल नहीं था, थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, बड़ा सा ही कमरा था। उसमें ऐसे एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे नहीं रहता उस टाइप का, मतलब आपका ऐसे टेबल था और एक बार में आप ऐसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब इधर आदमी बोलता ना तो आपको ऐसे मुंडी घुमाना पड़ता, इधर होता तो ऐसे सर घुमाना पड़ता। ठीक है, 7 लोग थे टोटल। तो जब मैं चेयर पकड़ लिया तो चेयर पे बैठ गया, तब वो लोग पूछते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन सच ए मैनर दैट व्हाट्स योर नेम प्रेजेंटली, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन सच ए मैनर। तो बस मतलब आपको 3 लाइन में वहां पे जवाब देना था। ठीक है, तो मैं जैसे उस समय में क्या हुआ, तो जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगा तो वहां पे मैं बोल दिया माय नेम इज तपेश्वर राय। और जैसे मैं राय बोला तो मुझे फील हो गया कि मैं तो गलत बोल दिया यार, अभी तो रे बोला था अब मैं राय बोल दिया। ठीक है, तो अब दिक्कत हो गई। तो और मैं एक और गलती कर दिया, जैसे राय बोला थोड़ा सा रुक गया तो वो लोग आपस में ऐसे ऐसे देखने लगे। फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट वगैरह किया, मैं समझ गया कि ये मैंने ब्लंडर कर दिया इस इंटरव्यू में। फिर वो लोग अपना टेक्निकल से पूछे, फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछे। ठीक है, तो कुछ खास नहीं था, सिंपल ही था सारा कुछ। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू वहाँ पे ओवर हो गया। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि यदि आप लोगों के भी नाम में जो कुछ फॉल्ट है तो आप लोग जो प्रोनाउंस करते हो वही करना। और यदि वो लोग पूछते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से लिखा हुआ है तो आप बोल दो कि सर हम लोग बोलते यही हैं, डॉक्यूमेंट में इसी तरह से लिखा हुआ है, वो चलते आ रहा है, बट हम लोग बोलते यही हैं डॉक्यूमेंट में एरर है, बट हम उसको नहीं सही कराने का कोशिश करते हैं क्योंकि उसको सही कराने से सारे के डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग करना पड़ेगा जो कि बहुत ही टिपिकल काम है। तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंट में वैसे ही छोड़ दिया हूँ, बट मैं प्रोनाउंस इस टाइप से करता हूँ। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप लोग टीचर के बातों में नहीं है ना कि मतलब वो लोग तो पैसा लेते हैं तो कुछ भी दिखाने के लिए शो करेंगे कि मतलब देखिए मैं आपका इतना छोटा छोटा चीज पकड़ रहा हूँ। फिर मुझे बाद में फील हुआ कि नहीं, मैं इससे अच्छा तो तपेश्वर राय ही बोला रहता। और यदि वो लोग पूछते तो बोलता हाँ सर डॉक्यूमेंट्स में रे हैं बट हम लोग का घर का टाइटल राय है, वो मतलब इस तरह से स्पेलिंग का एरर है, वो वाई ही लिखा गया हुआ है तो वाई ही चलते आ रहा है। तो
इस तरह से आप बोल करके एक डिसेंट आंसर दे करके वहां पे निकल सकता है। एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था और भी रहा है, तो वो सब धीरे धीरे आप जैसे जैसे इस चैनल से जुड़े हुए रहोगे तो उस तरह से आप करते जाओगे। तो चलिए अब सबसे अब कुछ आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड मैं लास्ट में एडवाइस भी दे दूं कि मतलब इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे IBPS वाला दिखा दिए, एक लेटर आता है इंटरव्यू के लिए आपको घर पे आता है, इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये आता है, फिर इसी का ये सेकंड पेज था, स्कैन करके रखा हुआ था मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो OBC वाला नहीं लगाए हैं, तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर के फुल स्क्रीन पे आते हैं और बात करते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए जैसा कि आप लोग इंट्रोडक्शन तैयार करते हो, तो आप लोग जैसे इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए, तो यदि आप लोग को इंट्रोडक्शन बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वहाँ पे आप यदि 5 से 6 लाइन में लिखे हुए हो अपना इंट्रोडक्शन, तो आप लोग दे देना। यदि आपका इंट्रोडक्शन 10 से 12 लाइन का है, हॉबी वगैरह, मम्मी पापा सबके बारे में लिखे हुए हो, तो वहाँ पे उतना बड़ा इंट्रोडक्शन मत देना, क्योंकि वो लोग सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं रिजर्व बैंक वाला जो इंटरव्यू दिया था, तो वो हमको बस इंटरव्यू में 3 ही लाइनें बोले थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि आपका नाम, आप प्रेजेंटली क्या करते हो, आप फ्यूचर प्लान क्या है। तो मुझे लगा कि मतलब ये लोग जो इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर रहे हैं ना, ये मतलब इनका प्रोसेस सही नहीं है, तो इसीलिए। या नहीं तो एक और काम कर सकते हैं आप लोग, काम ये कर सकते हैं कि जैसे आप लोग गए इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सर हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आइदर 3 to 4 लाइन और 10 to 12 लाइन। तो आप इस तरह से पूछ ही लो उससे कि बेटर ही रहेगा कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ 3 to 4 लाइन्स में और 10 to 12 लाइन्स में। तो उन्हें भी लगेगा कि अच्छा अच्छा मतलब स्टूडेंट्स एक्टिव है, तो वो लोग खुद बोल देंगे कि 3 to 4 लाइन्स ही आप लोग इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, तो अच्छा रहेगा। तो 3 to 4 लाइन्स में बस अपना नाम बता दो, अभी क्या कर रहे हो वो बता दो, और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपका वो बता दो, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा एक और एडवाइस, ये देखिए मतलब मैं पेन दिखा दूँ, ये देख लें, ये इस टाइप का पेन आप लोग ये पॉकेट में ऐसे मत रख के जाना है, क्या ये देखिए ये वाला इस टाइप का पेन आप लोग ये मत रखना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का रखना, वो जो मेटालिक वाला आता है ना, जेटर मेटालिक टाइप का, जो मेटल टाइप का आता है वो, ठीक है। तो ये एक एडवाइस रहा मेरे तरफ से। और एक और एडवाइस की जैसे आप लोग, जैसे मैं अभी टी शर्ट पहना हुआ, तो जब यदि आप टी शर्ट मतलब हाफ पहन के जाते हो, तो आपके हाथ में थोड़ा सा हैंड में वॉच होना चाहिए। यदि फुल पहन के जाते हो, तब तो चलिए कोशिश करिएगा कि तभी भी वॉच रहे, ताकि थोड़ा सा वो दिखता रहे, ठीक। तो इस तरह से ये वॉच वाला बात हो गया। और हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जो बैग है वो आप बैग को यहाँ पे मत लटका के लेके जाओ, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका बॉडी का लुक जो है ना वो बदल जाता है, ठीक है। वो मतलब आप उसको मेंटेन नहीं रख पाओगे। तो जब आपको इंटरव्यू में जाना है, तो थोड़ा सा बैग को स्टेप से हाथ में ही कैरी करके जाओ, इस तरह से मतलब कैरी करके मत जाओ, ठीक है। टाई भी लगाना है, तो टाई भी लगा के जा सकते हो, जैसा है क्लर्क, अब तो क्लर्क में खैर इंटरव्यू ही नहीं होती है। तो और क्या बोलना था, हाँ, और मान लीजिए कि आपको बैंक में जाते हो, इंटरव्यू में गए, तो ये यदि पूछते हैं कि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, यदि आप बैंक में जाते हो तो आप क्या मतलब एक्शंस लेना चाहोगे, हाँ क्या करना चाहोगे। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू पूछे, इंटरव्यूअर पूछे कि यदि आप बैंक के अंदर जाते हो तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, या क्या करना चाहोगे, हाँ क्या इनोवेशन लाओगे, तो वहाँ पे आप एक क्रॉस क्वेश्चन से कर सकते हो कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मतलब किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एज ए कस्टमर या एज ए ऑफिसर। क्योंकि वो तो ये बात बोल नहीं रहे हैं कि एज ए ऑफिसर जब तुम जाओगे, हाँ, क्योंकि जनरली मैं भी इंटरव्यू वगैरह का देखता रहता था, तो बस मतलब अब मैं गया भी हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे आप एक क्रॉस क्वेश्चन से कर सकते हो। यदि वो लोग बोल दिए कि आज ए ऑफिसर या आज ए कस्टमर, तब तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं बनता है। बट इस तरह से यदि बोलते हैं कि जब तुम बैंक में जाते हो, सिंपल, तो वहाँ पे आप एक क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लो कि आज ए कस्टमर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको मतलब लगेगा कि मतलब लड़का एक्टिव है, मतलब बातों को अच्छे से पकड़ रहा है। तो इस तरह से आप उस चीज को भी कर सकते हो। तो और कुछ, और हाँ, आप लोग एक और चीज, चलिए मैं बोल दूँ
जैसा आप लोग ये जो लिखते हो ना, तो टीचर जो लिखाता है ना आंसर आपका हॉबी का, तो देखिए यदि आपको हॉबी नहीं है तो आप क्लियर बोल दीजिए कि मेरा हॉबी नहीं है, बस हम यहाँ 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 टाइम पास करते हैं, ठीक है, टाइम पास करते हैं मतलब टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन यहाँ वहाँ में ये मत बोल दीजिए कि दिन भर पबजी खेलते हैं, तो वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट आ जाएगा उसका, तो थोड़ा सा मतलब यूजफुल वर्क में नहीं कुछ आता है तो बोल देना कि खाना बनाते हैं, खाना बनाने को वहां पे बना के दिखाना तरवे बस, तो उस तरह से तो ये बोल सकते हो। और हाँ, और मान लीजिए कि आपको ये पता करना है कि आपका स्ट्रेंथनेस क्या है, आपका वीकनेस क्या है, तो इसके लिए आप अपने घर के आदमी से पूछो, या जो आपका बचपन का फ्रेंड है जो आपके साथ फोर्थ फिफ्थ से अभी तक रहा उससे पूछो, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो उससे पूछोगे कि मुझे इंटरव्यू में जाना है भाई, तुम बताओ कि, क्योंकि तुम तो मतलब बचपन से जान रहे हो, 15 साल से मुझको जान रहे हो, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथनेस है, क्योंकि हो सकता है आपको ना अपना स्ट्रेंथनेस, और ये गूगल पे ना सर्च नहीं करना चाहिए आपका स्ट्रेंथनेस वीकनेस, हाँ ये रेडीमेड क्वेश्चन वो सब गूगल पे मत सर्च करो आप। इससे अच्छा है कि यदि मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन है कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन ए बैंक, ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो जो आपका 4 गो दोस्त है, 4-5 दोस्त है उससे पूछो, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उससे पूछो, ठीक है, और जो बैंक ज्वाइन कर लिया है उससे पूछो, तो उन लोगों से मतलब टीचर्स वाला जो है ना एक रेडीमेड रहता है, वो सबको मतलब 4 गो बना के रखते हैं सबको, वही टेलर मेड रहता है, वही सबको चिपका देते हैं वो लोग, तो टीचर्स वाला आंसर्स ना ही दो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स तो आपको आंसर्स देंगे ही नहीं, बहुत सारे जो अच्छे इंटरव्यूअर हैं जो बहुत अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं वो आपको बताएंगे ही नहीं, वो बोलेंगे खुद से खोजो, बट बहुत सारे मतलब रेडीमेड चीज है कि मतलब बच्चा को मेहनत नहीं पड़े, स्टूडेंट्स को भी लगता है कि अरे गए तो सब कुछ टीचर ही दे रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं है, आपको अपने से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो आप 5-7 स्टूडेंट से फ्रेंड से पूछो और सारे के आंसर्स को लिख के मतलब एक बार एनालाइज करो कि मतलब क्या है नहीं है, तो इस तरह से हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, आई थिंक वीडियो लंबी हो गई होगी, मैं नहीं सोच रहा था कि इतना लंबा वीडियो बनाऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये सब लंबा वीडियो पे आप आधा घंटा किसी का टाइम वेस्ट करो, तो इसीलिए तो फिर आगे स्टडी से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे मैथ्स का आपको काफ़ी अच्छा अच्छा ट्रिकी हाई लेवल का मैथ मिलेगा, यूनिक मेथड से बनाने के लिए, रेशियो मेथड ही हम जनरली बनाते हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ एक और बात, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वो लोग लाइक दगाएगा, और जिनको नहीं अच्छा लगा वो डिसलाइक करेगा, ज़्यादा डिसलाइक आने पे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, और डिसलाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग कि मतलब क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा डिसलाइक होने पे वीडियो पे वर्क किया जाएगा और अच्छी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।